वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का। किचन तड़का चैनल में आज की रेसिपी है बिल्कुल इंस्टेंट वाली रेसिपी, 5 मिनट वाली इंस्टेंट रेसिपी। और इस रेसिपी को देख के आपको 100% आपने बचपन की स्कूल की याद आने वाली है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो, वीडियोज़ अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बचपन वाली मज़ेदार ठंडी ठंडी रेसिपी बनाना। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है उसे हम सिर्फ ब्रेड और चीनी से बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले चीनी को रख देते हैं अभी साइड में। और यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं पूरे 5। ये मैंने 5 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं, और एक एक करके इनको पहले पीसेज में कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेज में। आप अपने हिसाब से इन्हें जैसे मर्जी पीसेज में कट कर सकते हैं। मैं इनको स्क्वायर पीसेज में कट कर रही हूँ। कुछ ब्रेड को स्क्वायर पीसेज में कट करेंगे और कुछ को ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीसेज में इनको कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी पीसेज में इनको कट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ब्रेड ले लिया है, इसको काटेंगे ट्रायंगल शेप में। ये देखिए, ये देखिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे ही ब्रेड के पीसेस को मैंने कट कर लिया है ट्रायंगल पीसेस में और स्क्वायर पीसेस में। तो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, फ्राई पैन जो होता है वो, उसमें मैंने डाला है पूरा 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी के साथ ही डाल देंगे ये 1 कटोरी जो चीनी ली थी हमने। इसको कटोरी से मेजरमेंट कर लीजिए, चाहे कप से। सिर्फ 1 कप या 1 कटोरी चीनी हमें लेनी है, और फ्राइंग पैन में 1 गिलास पानी के साथ इसे डाल देना है। यहाँ पर ले लिया मैंने 2 इलायची के दाने, और इन दोनों इलायची के दानों को अच्छे से कूट के और इसमें डाल देंगे। तो ये इलायची को मैं कूट लाई हूँ, और कूट के मोटा मोटा इसमें डाल देंगे इलायची। फ्राइंग पैन को गैस पर रख दिया है, गैस ऑन करके, और इसको अच्छे से चीनी को डिजोल्व होने देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, इतनी कि सिर्फ ये सारी चीनी जो है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। फ्रेंड्स, चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है और चीनी जो है सारी डिजोल्व हो चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक इसको रख देंगे साइड में। गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और एक रखेंगे गैस पर कढ़ाई। चाशनी को ठंडा होने देंगे जब तक हम अपनी बाकी की कुकिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिया है ब्रेड को शैलो फ्राई करने के हिसाब से थोड़ा सा ऑयल। बाकी आप ऑयल अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना डालना है आपको। डाल के पहले इसको हल्का गर्म होने देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरे पास 1 कटोरी चाशनी बची थी, गुलाब जामुन की चाशनी। अगर आपके ऐसी कोई चाशनी रखी हो गुलाब जामुन की या रसगुल्ले की, इस रेसिपी में आप इस चाशनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास 1 कटोरी चाशनी है, ये मैं उसी चाशनी में ऐड कर दूंगी, ताकि वो चाशनी थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाए और सारी चाशनी मिलके एक जैसी हो जाए। फ्रेंड्स, ऑयल जो है हल्का गर्म हो गया है, और जो यहाँ पर हमने ट्राइंगल वाले पीसेस डाले थे, इनको हम ब्रेड को ऑयल में डाल के अच्छे से सेक लेंगे। आप ज़्यादा ऑयल में भी सेक सकते हैं, और कम ऑयल में शैलो फ्राई करके भी इन्हें बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ट्रायंगल वाले पीसेस को इसमें डाल दूंगी, और इनको पलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड से सारे सीख गए हैं, और मैं इन्हें दूसरी साइड से पलट के अच्छे से सीख लूंगी। ये देखिए इनका कितना प्यारा कलर आ गया है। इसी तरीके से इन्हें पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख लेंगे। और जब तक ये सीख रहे हैं, तब तक देखिए हमारी चाशनी जो है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो उसमें से हम आधी चाशनी अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरे में आधी चाशनी को अलग निकाल लूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेड से हम आज 2 रेसिपी बनाएंगे। तो 2 रेसिपी के लिए 2 जगह अलग अलग चाशनी को निकाल के रख लेंगे। ये देखिए मैंने 2 जगह अलग अलग चाशनी को निकाल लिया है, और ये कटोरे वाली रख देंगे साइड में। और यहाँ देखिए हमारे ब्रेड भी जो है वो अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। और अब इन ब्रेड को ऑयल में से निकाल लेंगे, और ऑयल में से निकालते ही इन्हें डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। ये थोड़े से डार्क सिक गए हैं, लेकिन घबराइए मत, जले नहीं है ये, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम करारे करारे। और चाशनी में इनको अच्छे से डिप कर लेंगे।
और इसी तरीके से बाकी जो ट्रायंगल शेप के हमारे पास बचे हैं इनको भी सेक लेते हैं। सीख गए हैं और इनको भी निकाल के उसी तरह से चाशनी में डाल लेंगे। तो सभी बैच के हमने सेक लिए हैं और गैस के फ्लेम को कर देंगे अब ऑफ। सिर्फ ट्रायंगल वाले ही हमने इस तरीके से सेक कर तैयार किए हैं और ये चाशनी में इनको अच्छे से डिप कर लेंगे और जो पहले वाले हमने डाले थे उनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में जो हमने पहले डाले थे उनको चाशनी में से निकाल कर प्लेट में लगा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम करारे करारे से। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार 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 बनाना चाहेंगे इस रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी फैमिली में भी सभी को ये बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से सारे पहले प्लेट में निकाल लेंगे और जो अबकी बार हम डाले थे उनको नीचे चाशनी में अच्छे से भिगो देंगे। 3 मिनट में ये वाले भी अच्छे से भीग गए हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको निकाल कर तैयार कर लिया है और फ्रेंड्स देखिए कितनी चाशनी बची है। इस चाशनी को देख के आप घबराइए मत, अगर आपने ये रेसिपी एक बार बनाकर ट्राई की तो ये चाशनी तो कुछ भी नहीं है, आपको बार बार चाशनी बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको ये इतने पसंद आएंगे कि आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। तो ये वाले तो हमारे तैयार हो गए, अब हमारे पास बचे हैं स्क्वायर पीसेस वाले, तो इनको भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में ये ब्रेड के पीसेस को लगा लेंगे। सारे पीसेस को एक के ऊपर एक करके भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है जी फ्रेंड्स। सारे ब्रेड के पीसेस को मैंने प्लेट में लगा लिया है और यहाँ पर जो चाशनी हमने अलग से निकाली थी वो ले लिया है। इसमें हमने इलायची डाली थी और जो बची हुई चाशनी थी मेरे पास गुलाब जामुन की, उसमें कुछ केसर के दाने डले हुए थे। चाशनी में से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपके पास केसर हो तो डालिए, नहीं तो बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ और सिर्फ इलायची से भी आप इन्हें बना सकते हैं। और चाशनी लेके इस तरीके से पूरे ब्रेड पे आराम आराम से डाल देंगे। एक एक पीसेस को उठा के पूरा चाशनी में डिप भी कर सकते हैं, वैसे भी बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं ये। और आप अगर ऊपर से चाशनी डालेंगे तो उससे भी चाशनी ब्रेड में अच्छे से फिल हो जाती है, क्योंकि ब्रेड जो होते हैं स्पंजी होते हैं, उनमें चाशनी अंदर तक फिल हो जाती है। और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है, आपने ज़रूर स्कूल टाइम में कभी ना कभी ये ज़रूर खाए होंगे। ये दूसरे वाली भी रेसिपी हमारी तैयार हो गई जो हमने सिंपल ब्रेड और चाशनी से बनाई है। वही रेसिपी है जो स्कूल के बाहर मिलती थी, ये स्कूल टाइम में हमने ज़रूर खाई होगी और आपने भी ज़रूर ट्राई किया होगा इस रेसिपी को। ये वही जो चाशनी में भिगो के ब्रेड देते थे, बस वही सिंपल ब्रेड और चाशनी से बनी हुई रेसिपी है। आपको आ गई होगी इस रेसिपी को देख के स्कूल टाइम की याद। और ये है दूसरी रेसिपी जिन्हें हमने तल के फ्राई करके बनाया है ऑयल में, और ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। देखिए आवाज़ सुनिए आप इनकी, आप सोच रहे होंगे चाशनी में डिप किया है तो ये थोड़े से गिलगिले से हो गए होंगे, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये वाले भी। तो इन दोनों को ही यहाँ पे रखेंगे प्लेट को। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ कटे हुए काजू और बादाम, तो थोड़े थोड़े काजू बादाम दोनों प्लेट पर लगा देंगे। इससे जो है हमारी डिश देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सभी के आगे प्रेजेंट कीजिए इस तरीके से, बहुत ही पसंद आएगी।
फ्रेंड हमने इनको बादाम और काजू से गार्निश कर लिया है और अब इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से चिल्ड और ठंडी हो जाए। और गर्मियों में लीजिए मज़ा ठंडी ठंडी चिल्ड रेसिपी का। पूरे 1 घंटे बाद हमने इन्हें फ्रिज में से निकाल लिया है और हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से चिल्ड और एकदम ठंडी हो चुकी है। मज़ा लीजिए इस ठंडी ठंडी रेसिपी का। और फ्रेंड्स इस रेसिपी को देख के किस किस को अपने स्कूल की और बचपन की याद आई ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और कमेंट कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये मज़ेदार रेसिपी, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।